दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपी जेल में हैं। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। अब आम आदमी पार्टी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी के अधिकारी लोगों को धमकी देते हैं और मारते पीटते हैं। उन्होंने कहा कि चंदन रेड्डी को इतना मारा गया कि उनके कान के पर्दे फट गए। एक व्यक्ति को धमकी दी गई कि हम देखेंगे कि तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर कई आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि मैं देश को बताना चाहता हूं कि ईडी अब एनफोर्सिंग डिटेक्टरशिप बन गया है। इसे आपके सामने देश की सबसे ताकतवर एजेंसी बताया जाता है और यह लोगों को और उसके परिवारों को प्रताड़ित करती है। एक व्यक्ति को कहा गया कि तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हम देखेंगे। बेटी, बूढ़े माँ बाप और पत्नी को धमकी दी जाती है। चंदन रेड्डी को इतना मारा कि कान के पर्दे फट गए। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों ने कोर्ट में कहा है कि उनके साथ मारपीट करके जबरन बयान लिए गए। चंदन रेड्डी ने हाई कोर्ट में दायर की अपनी याचिका में कहा कि ईडी के लोगों ने उनसे मारपीट की और कहा कि जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चंदन रेड्डी को इतना मारा पीटा गया कि इसके दोनों कानों के पर्दे फट गए। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं, एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना पीटना प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। ये पहला नाम है चंदन रेड्डी का। ये चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए, मार मार के, प्रताड़ित करके। ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैंबर है, मैं कहूंगा वहां पर थर्ड डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए।